रेरा के से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रेरा का पालन ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होगा? 47 लाख रुपए में बैंक में बंधक है इनकी जमीन, जो हमारे जमीन में रोक लगी वो हट जाए तो वो क्या हमें हमारे पैसे वापस करेगा? मेरा सवाल उससे से डायरेक्टली है। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा। इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी की तहसील के बाहर। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो लोग हैं वो गोलापार से यहाँ पर आए हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं और आस कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाएगा और उन पर कुछ काम किया जाएगा बिना किसी देरी के। क्या इनकी मांगे हैं और किन मांगों के साथ आज ये लोग इतनी बड़ी संख्या में तहसील पहुँचे हैं, चलिए इनसे ही जानते हैं। सर, गोलापार से आज कुछ किसान लोग यहाँ पर आपके पास पहुँचे हैं, किस चीज की लोग मांग कर रहे हैं आपसे? ये लोग कह रहे हैं कि हमें 500 स्क्वायर मीटर से अधिक भी अपनी भूमि क्रय करने का वो दिया जाए, जबकि ऊपर रेरा के जो प्रावधान है कि 500 कोई भी अगर प्लॉटिंग करता है अपने भूमि में और 500 स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि विक्रय करता है तो उसको रेरा के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए। अभी इन्होंने एक बात बोली कि 40 उसमें 30 फीट की रोड काट के 10 फीट में वो कैसे काम करेंगे, ये क्या मामला है? यह प्रश्न संबंधित अथॉरिटी बता पाएगी। मुझे सिर्फ यह अनुपालन कराना है कि 500 स्क्वायर मीटर से अधिक टुकड़े टुकड़े लैंड वहाँ ना बचे। अभी जिलाधिकारी की ओर से आपने बताया कि निर्देश जारी किए गए हैं, कौन से निर्देश जारी किए गए? इसमें स्पष्ट एक वार्ता हुई थी जिसमें स्पष्ट पत्र भी आया है कि प्राधिकरण संबंधी नियम लागू कराए जाए और रेरा संबंधी नियम लागू कराए जाए। क्या डीएम की ओर से लिखित में आपको आदेश दिए गए? जी, लिखित में आदेश आपकी ओर से इन लोगों को प्रोवाइड किए गए? प्रोवाइड करा दिया गया। आगे आपकी ओर से इन लोगों के मदद में क्या कार्रवाई की जाएगी? इन लोगों की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी हमारे माध्यम से। रेरा का क्या नियम है ये बता दीजिए। रेरा में है कि 500 स्क्वायर मीटर से अधिक कोई अगर प्रोजेक्ट करता है तो उसमें रेरा के से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके प्रावधानों का अनुपालन कराया जाएगा, या 8 यूनिट से अधिक कोई कंस्ट्रक्शन कराता है तो उसमें। और इन लोगों का क्या है मांग? इन लोगों का है कि 500 स्क्वायर मीटर से अधिक बेच रहे हैं बिना रेरा के। इस वक्त गोलापार के कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं। सर, आपका नाम? योगेश पांडे। कहाँ से आए? मैं तहसील हल्द्वानी अध्यक्ष हूँ। यहाँ के अध्यक्ष आप हैं, क्या मांग आप लोगों की है? हमारी तो यही मांग है कि जो रेरा में इन लोग ये जो नियम बना रहे हैं नए, इसमें इनका कहना है कि 5000 स्क्वायर फीट एक किसान जो है, गोलापार हमारे जितने भी किसान लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने इनसे यही कहा कि जो आदेश ये लोग कह रहे हैं कि जिलाधिकारी ने भेजा है उसकी हमें कॉपी आप दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि पहले तो इनने कहा कि मौखिक रूप में हमें बताया गया है, फिर इनने कॉपी हमें उपलब्ध कराई है जिसमें पूर्णतः खुला नहीं है कि 5000 बेच सकते हैं या कृषि में उससे ज्यादा बेच सकते हैं। दूसरा, रेरा का पालन ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होगा? 40-40, 50-50 फीट के फ्रंट है लोगों के पास, उसमें अगर 30 फीट की रोड काट देंगे तो 10 फीट में कैसे कौन खरीदेगा उन जमीनों को? हमारा कहना इनसे यह है, बाकी इसमें आगे हम लोगों का आंदोलन आगे बढ़ेगा। मैं इतनी दूर से आप यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं सबसे पहले बताइए? हमने अपनी जमीन बेची है और हमारा कर्जा है बैंक में। कब बेची थी जमीन? अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले हो गए। कुछ रजिस्ट्री हो गई है, कुछ होनी है। अब तो जिनको दे रखा वो पैसे भी वापिस मांग रहे हैं। आगे को अब समझ में नहीं आ रहा है, रजिस्ट्री के लिए मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि 5400 से ज्यादा रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हमारी पूरी जमीन की रजिस्ट्री हो, हमारा पैसा है, हमने भी कहीं और जगह जमीन ली है और उसको भी खरीदना है, लेना है, कुछ कारोबार करेंगे। जैसे इनकी ये जमीन है 47 लाख रुपए में बैंक में बंधक है इनकी जमीन, जो किसान लोग आए हैं। अब ये 47 लाख रुपए की 5000 स्क्वायर फीट जमीन बेच के ये 47 लाख रुपए तर जाएंगे क्या? अपनी जमीन है, कृषि कर रहे हैं और सब्जी फलों के भाव क्या चल रहे हैं, कैसे मंडी में उठाया जाता है, तो सब लोग जान इस चीज से वाकिफ ही है। बाकी आज आपदा में सब लोग हैं, मेरी मेयर साहब जो हल्द्वानी के हैं उनसे भी बात हुई थी और माननीय बंसर भगत जी के पास हमारा एक कुछ लोग हो आए हैं। इसमें जो है कल हम लोग फिर इसमें माननीय मेयर साहब और भगत जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें हम एक जो भी यहाँ से लेटर बनाया जाएगा हमारे द्वारा हम उसे भेजेंगे और आगे हम इसमें आंदोलन करने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं अपने सब लोगों से। अगर सब लोग समर्थन करते हैं तो हम इसमें आंदोलन करेंगे। रेरा का तो हमको कुछ पता ही नहीं है, हमने तो जमीन दे दी और हमारे 40 पेजे का पट्टा था और हमने पड़ोसी से मिलके, ताऊ जी लोग हैं उनसे मिलके हमने उसको 16 फीट का करा और आगे को बेचने की। आपको कह रहे हैं कि रेरा में रजिस्ट्रेशन 30 फीट की रोड चाहिए, 40 का तो हमारा फ्रंट ही है, हमारी तो जमीन भी नहीं है और इतना ही है और बेचा था, कहीं और लिया था, कुछ कारोबार करेंगे, कुछ रोजगार करेंगे सोचा था और अब वो कह रहे हैं कि पैसे वापस दो जिनने जमीन ली है, जिनने दी है। अब रजिस्ट्री होनी थी आगे को, अब रजिस्ट्री होनी थी इस हफ्ते तो रजिस्ट्री भी रुक गई है। चलिए भाई, आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा भगवान जी से गोलापार किसान हुए। इतना बड़ा जो संकट आप लोगों आपके ऊपर आया है, यहाँ से अभी कोई आस आपको नहीं मिली है, आगे आप जाने वाले हैं, क्या कहेंगे?
नहीं अपनी बात तो रखेंगे मैम, और इसमें हम आंदोलन भी करेंगे और हम किसानों के साथ हैं। मुझसे मांगे आपकी क्या है जो आप लेकर यहाँ पर आए? नहीं मतलब हमारा मानना है कि जो हमारे जमीन में रोक लगी है वो हट जाए, हम अपना मालिकाना हक मिले, हम स्वतंत्र होकर अपनी जमीन बेचे, हम कुछ भी करें हमारी अपनी जमीन है। अभी सब रजिस्ट्रार ने जैसे कहा कि जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश आए हैं, इसके बारे में आपको कुछ पता था? हमें कोई जानकारी नहीं है, हम तहसील में आए रजिस्ट्री कराने है, तो यहाँ रजिस्ट्री बन गए, इनके पास कोई लिखित कार्रवाई नहीं है, खाली मौखिक कार्रवाई। आपका नाम? प्रसाद नाम है। यहाँ पर आप आए हैं, क्या लग रहा है? सब रजिस्ट्रार से आपने बात करी, डीएम के पास जा रहे हैं, कोई पास मिलेगी? जी मैम, हमारे हम तीन भाई है, हमारे पास 50 फीट का पट्टा है, उसमें 10 फीट की रोड है, तीन भाई कोई कारोबार नहीं है, हम जमीन के सहारे थे, अगर हम जमीन बेच ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या? जब जमीन बेचेंगे तभी तो कोई कारोबार करेंगे ना, घर बनाया है अभी सही से, मकान है नहीं हमारे पास ढंग से, कुछ तो नहीं जमीन है, अगर वो बिकेगी नहीं तो हम करेंगे क्या? नाम तो रोड पर जाएंगे, जमीन ही नहीं बिकेगी, करेंगे क्या बताइए ना, किसान करेंगे क्या? अपने बच्चों को क्या, किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई हक नहीं है? अच्छे एजुकेशन नहीं दे सकते हो, क्या करेंगे बताइए ना? हमारे टमाटर के भाव 2 रुपए किलो बिकता है, हम करेंगे क्या बताइए? हमें रोड पे बैठने के अलावा कुछ और है ही नहीं, एक जमीन माध्यम था जो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे, इलाज कर सकते थे, मतलब हमारे हाथ से वो भी छीन लिया गया। क्या लगता है आंदोलन से जो है वो आशा तो है? मैं भी तहसील आया हुआ था, मैंने वो नोटिस पढ़ा मेरे पापा के नाम पर, ताऊ जी के नाम में, हमने 3 बीघा जमीन बेची थी, जो भूमि में जो अपने को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं उसका नाम पढ़ा मैंने। अच्छा। वो कर क्या रहे हैं, मतलब हमारे लिए हमारा नुकसान, मैंने गाड़ी ली अभी, उसका लोन है, मकान बनाया, शादी करी दो भाइयों की, उसका लोन है, क्या वो आरटीआई एक्टिविस्ट जिसने हमारे खिलाफ लगा रखी है, वो माफिया है जो, तो वो क्या हमें हमारे पैसे वापस करेगा? मेरा सवाल उससे से डायरेक्टली है बस, थैंक यू। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया किस तरह से गोलापार के जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, सब रजिस्ट्रार से उन्होंने बात की है, हालांकि कुछ निष्कर्ष उनका यहाँ पर नहीं निकला है, और लोगों का कहना है कि वो आगे चलकर अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और अभी उन्होंने डीएम और मेयर से मिलने की भी बात भी कही है, तो देखते हैं इस मामले में आगे क्या और नई कड़ी जुड़ती है। तो ये थी जेजेएन की खास ग्राउंड रिपोर्ट, मैंने शो अपने सहयोगी आशीष के साथ, जेजेएन न्यूज हल्द्वानी, नमस्कार।